Good evening, dear students. So in this video, we are going to solve some extra questions of set theory. So here you have your question. Two finite set A and B have m and k elements, right? So in set A, you have m elements and in set B, you have k elements, right? So ratio of cardinal number of power set. अब देखो, अगर हमें देखना हो कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, सो दैट फॉर्मूला विल बी 2^m. सिमिलरली पावर सेट ऑफ बी हैज 2^k एलिमेंट्स, राइट? तो उनकी हमें रेशियो गिवन है, मींस पावर सेट ऑफ ए रेशियो पावर सेट ऑफ बी, द रेशियो इज 64:1. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 2^m upon 2^n, which is equal to 64:1. तो बेस सेम है, सो इट विल बी नेगेटिव साइन 2^m माइनस 1, एंड 64 कैन बी रिटन एज 2^6. सॉरी, नॉट इट्स m, इट्स k. सो इट बिकम्स m माइनस k इक्वल्स टू 6. और अगर हम ये देखें कि हमें एक और इक्वेशन गिवन है, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 12. तो ए में जो हमारे एलिमेंट्स थे वो थे एम, और बी में जो एलिमेंट्स थे वो थे के. तो एम प्लस के इज 12. तो आई हैव टू इक्वेशंस, एम प्लस के इज 12, एम माइनस के इज 6. तो एलिमिनेशन मैथड, 2m equals to 18, m equals to 9. तो अगर m आपका 9 है तो k will be 3. By elimination method you can get the both the values, m is 9 and k is 3. So let's have second question. So students, in the question number 2 you have given if a belongs to m. So first of all, your a is a natural number, ठीक है, such that a n equals to a x such that x belongs to n. तो यहाँ पर ये आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दी गई है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि a n किसके इक्वल है. तो हमें फाइंड करना है 3n इंटरसेक्शन 7n. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमें गिवन क्या है, a n इज a x सच दैट x belongs to natural number. तो अगर मुझे 3n की वैल्यू लिखनी है तो 3n किसके इक्वल होगा, 3n विल बी इक्वल्स टू, आई विल रिप्लेस a बाय 3, विल बी इक्वल्स टू 3x, x belongs to natural. तो अगर हम इस सेट में नेचुरल्स को पुट करेंगे तो हमारे आंसर्स आएंगे 3, 6, 9, 12 एंड सो, ठीक है. सिमिलरली वी विल गेट द 7n, 7n विल बी इक्वल्स टू 7x, x belongs to natural. सो इट बिकम्स 7, 14, 21, 28 and so on. So what is the intersection of 3n and 7n? तो यहाँ पे आप देखोगे कि first जो हमारा number जो common है, common number हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, common number is I have not written here, 12 के बाद 15 है, 18 है, 21 है. तो मेरा first common number आ गया 21. तो 3n और 7n की जो intersection होगी that will be the common multiple of 21. 21 के बाद 42, ठीक है, 42 के बाद आ जाएगा आपके पास 63 and so on. So intersection of 3n and 7n will be equals to 21x. We will give the answer in the same format which is asked in your question. So it is 21x such that x belongs to natural number, ठीक है. तो अगर आप n को 1 लोगे, answer is 21, n 2, answer is 42, n 3, answer is 63. So this is your answer. So students, here you have your next question. तो इस question की जो first line है, पहले वो देखते हैं. Suppose a1, a2, a3 and so on a30 are the 30 sets, ठीक है, each with 5 elements. तो एक सेट में जैसे हम एक सेट ले रहे हैं, हमने A1 ले लिया,
A1 में 5 एलिमेंट है, A2 में भी 5 एलिमेंट है, A3 में भी 5 एलिमेंट है, और टोटल हमारे पास कितने सेट्स हैं? टोटल हमारे पास ये सेट है 30। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की। इसी तरह हम सेकेंड लाइन देखते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द सेट्स दैट इज डिनोटेड एज B1, B2 एंड सो ऑन BN, तो इनके हर सेट में कितने कितने एलिमेंट्स हैं? थ्री थ्री एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी थ्री एलिमेंट है, इसमें भी थ्री एलिमेंट है, तो सब में एलिमेंट है थ्री थ्री। ठीक है, अब आपको एक और स्टेटमेंट इसके साथ ही दी हुई है कि आप सारे A के सेट को कंबाइन कर दो, यूनियन कर दिया, कंबाइन कर दिया मतलब यूनियन कर दिया, और I जो है आपका वेरी करेगा, क्योंकि जो A वाले सेट है उसमें आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 30। तो यूनियन AI हमें दिया हुआ है I वेरीज फ्रॉम 1 to 30, विच इज इक्वल टू, यूनियन हम कर देते हैं BJ, और यहाँ पे जो आपका J है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेके N तक, क्योंकि यहाँ पे N दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो 30 ले लिया। तो यूनियन AI किसके इक्वल है? यूनियन BJ के, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं S, ये गिवन है स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है, अज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ S, तो यहाँ पे फर्दर स्टेटमेंट में एक और लाइन गिवन है, लेट मी राइट दिस। हाँ जी, अज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ BJs। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि जो S में एलिमेंट है वो 10 ऑफ AI है, मतलब AI का हम 1/10 करेंगे और BJ का क्या करेंगे? 1/9। तो अगर हम दोबारा से क्वेश्चन लिखें तो हमारा क्वेश्चन में S की जो वैल्यू है दैट इज यूनियन AI। ठीक है, अब यूनियन AI, अब हर एक एलिमेंट में पांच पांच एलिमेंट है, A में भी 5 है, A2 में भी 5 है, A3 में भी 5 है, और लास्ट में A30 में भी 5 है, तो टोटल अगर आप इनके एलिमेंट्स देखो तो कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे, और 150 का हमने क्या करना है? 1/10 दैट इज 15। तो S में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए? 15। इसी तरह अगर हम S की बात करें तो उसमें हमने, अगर हम B B से एसोसिएट कर रहे हैं तो उसमें हमने एलिमेंट कितने लेने हैं? 1/9, 1/9। ठीक है, तो यहाँ पे जो S में एलिमेंट है वो कितने आ जाएंगे? 1/9। अब B में, B के हर एलिमेंट में, B के हर सेट में कितने कितने एलिमेंट हैं? तीन तीन एलिमेंट हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? देखो, तीन तीन छ, तीन नौ, ऐसे आप ऐड करते जाओगे तो वो थ्री के मल्टीपल्स ही बनना है। ठीक है, वो मल्टीपल ही बनेगा ना थ्री का। देखो, अगर हम थ्री को ऐड कर रहे हैं, कितनी बार ऐड कर रहे हैं? एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो थ्री इज कॉमन, बचा क्या? 1+1+1 एंड सो ऑन, कितनी बार हम उसको ऐड करते जाएंगे? एन टाइम्स ऐड करेंगे ना, तो इट बिकम्स, तो जो इसका जो यूनियन आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 3n होंगे। तो यहां से हमारे पास S में एलिमेंट्स आ जाएंगे n/3। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो S में पहले 15 एलिमेंट्स थे और इसमें n/3 है, सो 15 = n/3, सो योर आंसर इज 45। तो n की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट विल बी 45। सो लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट एंड गेट द आंसर। योर ऑप्शंस आर 10, 20, 100 एंड डी ऑप्शन इज 50। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सो डू इट्स प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरवल से रिलेटेड है। ऑन ए रियल एक्सिस इफ A इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 1, 5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उस पे हम लेते हैं अपने इंटरवल्स। नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 1, 1 के बाद मैं 3 यहाँ ले लेती हूँ, 3 के बाद आ जाएगा 5, और 5 के बाद आएगा 9। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है? A-B, मतलब A में से B के एलिमेंट्स माइनस करने हैं।
तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास ए में एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 से लेके 5 तक, ठीक है, और उसमें से हमने क्या माइनस करना है, 3 से लेके 9 तक। अब 1 से लेके 5 तक में से हमने माइनस करना है 3 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि एलिमेंट ए को तो बिलोंग करे, मतलब एक्स बिलोंग करे ए को, एंड एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। तो ये है तो हमारी डेफिनेशन है ए माइनस बी की। तो 1 में से अगर 1 5 में से अगर आप माइनस कर भी दोगे 3 9 9, तो माइनस होना नहीं है। तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा आंसर बचेगा? देखो 1 से 5 है और 3 माइनस हो रहा है, ठीक है, तो 3 वाले ये सारे एलिमेंट माइनस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग 3, ये सारा पोर्शन माइनस हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर बचेगा वो आंसर क्या होगा, क्लोज्ड 1 3 ओपन। माई आंसर विल बी क्लोज्ड 1 3 ओपन, क्योंकि 3 में तो हमने माइनस कर दिया ना, 3 इंटीजर है, तो 1 से लेके 5 तक थे नंबर, 3 से लेके 9 तक, 3 से 9 तक तो माइनस होने नहीं है, 9 तो है ही नहीं, चलो हमारे पास माइनस करने के लिए। माइनस कौन कौन से होंगे, 3 से लेके 5 तक। दोबारा देख लो, आपने कॉमन माइनस करने हैं। सी, हमारे पास नंबर थे 1 से लेके 3 तक, ठीक है, फिर जो माइनस करने हैं वो कौन से हैं, सॉरी नॉट 1 से 3, 1 से 5 तक, ठीक है, और जो माइनस करने हैं वो कौन से करने हैं, 1 से लेके 9 तक। तो अब माइनस कौन से होंगे, माइनस तो बेटा यही हो जाएंगे ना, यही वाले माइनस होंगे। तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 1 क्लोज्ड 3 ओ, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन अ रियल एक्सिस यू हैव गिवन 2 इंटरवल्स ए एंड बी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल एक्सिस है क्या? रियल एक्सिस कुछ भी नहीं है, हमने लोअर क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ी थी। तो नंबर लाइन में जब भी हम पढ़ते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 0, और इधर हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स और इधर हमारे पास है पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर्स है सारे लिख लेती हूँ, 4 5 6। अब आप कितना कितना तक जाओगे, इट विल बी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर नेगेटिव नंबर्स भी तो इनफाइनाइट है, इट विल बी नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, हम लोअर क्लासेस में इन्फिनिटी ड्रॉ नहीं करते थे, यहाँ पे आप लिखोगे नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप देखो बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना मुझे, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। अब ए का जब आप कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो, तो जो आपका ए सेट है वो क्या है, ए सेट आपका है 0 से लेकर 3 तक, दिस इज माई ए सेट, मैं इसको ऐसे शेड कर देती हूँ, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मतलब 0 और 3 को छोड़ दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट में जो आप आंसर लिखोगे दैट विल बी, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक्स बिलोंग कर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एक्स रियल नंबर को तो बिलोंग करेगा, क्योंकि है तो रियल एक्सिस ना, लेकिन एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये तो होगी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, एक्स डजेंट बिलोंगिंग्स टू ए। तो अब अगर मुझे 0 और 3 को छोड़ के बाकी का आंसर देना है, तो मेरा बाकी का आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 ओपन, क्योंकि 0 हमने इंक्लूड कर लिया ना, क्लोज ब्रैकेट है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन, अब क्या आएगा, 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इसी तरह अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले तो बी के नंबर हमें लिखने पड़ेंगे, बी के नंबर है 2 से लेकर 6 तक, ठीक है, तो हम बी के नंबर लिख लेते हैं, बी के नंबर है हमारे पास 2 से लेकर 6 तक। तो अब मुझे ये नंबर नहीं लेने, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 से लेकर 6 तक नंबर छोड़ दो, माइनस इन्फिनिटी टू -2 ओपन यूनियन क्या आएगा, 6 से लेकर इन्फिनिटी, राइट। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्स के आंसर्स देने हैं। वेल स्टूडेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।
हैप्पी लर्निंग।